तो भाई लोग कैसे हो। तो यार मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था हाउ टू डाउनलोड GTA 5 के ऊपर, ठीक है। तो उस वीडियो को एक बंदे ने अपने चैनल पे रीअपलोड कर दिया, ठीक है। तो मैंने जब उसको बोला कि वीडियो रिमूव करने के लिए, नहीं तो मैं कॉपीराइट दे दूंगा, उल्टा उसी ने मेरे को कॉपीराइट दे दिया और मेरा वीडियो टेक डाउन हो गया। मतलब देख रहे हो भाई यूट्यूब का सिस्टम कितना मजबूत है ना। खैर वीडियो तो टेकडाउन हो गया, तो मैंने काउंटर नोटिफिकेशन वगैरह किया है और वीडियो शायद वापस आ सकता है, अभी मुझे नहीं पता। तो यही सब सीन हो गया है। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं, अभी हम लोग बढ़ते हैं गेम प्ले के ऊपर। और इस गेम प्ले वीडियो में खास ये है कि मैं इस मैच में मैं एक ही घर में रह के मैं चिकन डिनर ले जाता हूँ। मतलब मैं जिस घर के अंदर उतरता हूँ, जिस घर के ऊपर मैं उतरता हूँ, उसी घर में रह के मैं चिकन डिनर निकालता हूँ इस गेम में। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मुझे नहीं पता कि ये बंदा क्या सोच के गन पीछे करके रश किया। शायद बंदा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, इसीलिए फुल चौड़ में था, इसीलिए शायद इसने गन पीछे करके रश करने का डिसीजन लिया। खैर इसकी तो पेटी बन जाती है, अभी दूसरे बंदों को भी पकड़ना है। ये रेशमा पता नहीं क्या खा के गेम खेल रही थी, मेरे दोनों टीममेट्स को पकड़ के पेटी बना देती है। और मैं जब नीचे कूदता हूँ उसको पेलने के लिए, तो मुझे ये वहाँ से गायब दिखती है। खैर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये नीचे में हील कर रही थी और मैं ऊपर आ जाता हूँ और ये अभी मेरे पे रश कर रही है। खैर इसको पेलना तो पड़ेगा क्योंकि बदला भी लेना है। खैर इस रेशमा से तो मैं अपना बदला ले लेता हूँ, काफ़ी ख़राब लग रहा था मुझे। खैर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा एक 1v4 क्लच विथ M4+6X। ये स्प्रे देख के रेशमा तो क्या मैक्सटन भी इम्प्रेस हो जाएगा। और रही बात इस स्क्वाड की, मुझे नहीं पता भाई ये लोग ओपन में क्या कर रहे थे। भाई ये लोग फुल चौड़ में थे कि हम लोग तो चार बंदे हैं, सबको पेल देंगे, हम किसी से नहीं डरते।
लेकिन भाई इनका तो एक बार में जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए। खैर इन चारों की तो पेटी बन जाती है, अभी दूसरे बंदों को पेलेंगे। खैर यहाँ पे मुझे एक बॉट दिखता है और मैं उसकी पेटी बनाने ही वाला था कि पीछे से एक बंदा M24 उसके चिपका देता है और उसकी पेटी बना देता है। खैर इस M24 वाले भाई का टीममेट की तो मैं पेटी बना देता हूँ और वो M24 वाला बंदा पता नहीं कहीं गायब सा हो जाता है। तो यार यहाँ पे मुझे एक बंदा और एक बॉट दिखता है। पहले मैं बॉट की पेटी बनाने की कोशिश करता हूँ और उसको वो बंदा पेल देता है, और जब मैं बंदे की पेटी बनाने की कोशिश करता हूँ तो वो M24 वाला बंदा पता नहीं कहाँ से उसके M24 चिपका देता है और उसको नॉक कर देता है। खैर उस M24 वाले बंदे का तो मैं किल चुरा लेता हूँ, बहुत गालियाँ दे रहा होगा मेरे को, और वो M24 वाला बंदा अभी तक मेरे को स्पॉट नहीं हुआ है। और हाँ यही वो M24 वाला बंदा था भाई। ये मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत दिक्कतें देता है मेरे को, और फाइनली मैं इसको पकड़ लेता हूँ। और अभी एक आखिरी बंदा बचा है जो कि वेक्टर चला रहा है। खैर ये तो एक बंदा नहीं बंदी थी जो पत्थर के पीछे बैठ के वेक्टर चला रही थी उस M24 वाले बंदे पे। और इस बंदी को लग रहा होगा कि मैं तो भाई पत्थर के पीछे हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन मैडम को ये नहीं पता था कि मैडम का टकला दिख रहा है। खैर मैं टकले पे एक गोली मारता हूँ और चिकन चुकन हो जाता है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए, और भी ऐसे गलत सीन वाले वीडियोस के लिए। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।